निर्वाचन क्षेत्र पांवटा साहिब की सड़कों की खस्ता हालत को लेकर क्षेत्र के युवाओं ने मोर्चा खोल दिया है, जिसके चलते युवाओं ने सड़कों को जाम कर दिया। युवाओं ने बताया कि यदि समय रहते सड़क को दुरुस्त नहीं किया गया तो जाम दिनों दिन अधिक संख्या में एकत्रित होकर बढ़ता जाएगा। जाम की स्थिति आगे जाकर आक्रोशित भी हो सकती है। उधर प्रवीण ने बताया कि गिरिपार क्षेत्र के सड़कों की हालत बद से बदतर हो गई है। 70 साल से सड़क को एक बार भी पक्का नहीं किया गया है। मौके पर युवाओं ने कहा कि कोई भी अधिकारी नेता इन क्षेत्रों की सुध नहीं ले रहा है। दिनों दिन यहां पर सड़क गड्ढे का रूप लेती जा रही है। यही नहीं, यहां पर कई जगह सड़कों पर कालिक पोथी जा चुकी है, जो कि नाममात्र सड़क बनाने का कार्य दर्शाया जा रहा है। मीडिया के द्वारा प्रश्न पूछने पर बताया गया कि जिला सिरमौर को भाजपा सरकार ने 3 अनमोल रत्न दिए हैं। सुखराम चौधरी को ऊर्जा मंत्री, बलदेव तोमर खाद्य आपूर्ति विभाग व सुरेश कश्यप को लोकसभा सदस्य नियुक्त किया गया है। इस प्रश्न पर युवाओं ने तत्काल स्थिति को संभालते हुए कहा कि अनमोल रतन की जगह सिरमौर को गांधी जी के 3 बंदर दिए गए हैं, जो कि काफी लंबे अरसे से चुप्पी साधे हुए हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। लाइव टाइम्स टीवी के लिए पांवटा साहिब से रतन नहीं दिए हमारे को, वो दिए गांधी जी के 3 बंदर। जो जिस तरह गांधी जी के 3 बंदर होते हैं ना, उसी तरह के हमारे को 3 बंदर दे रहे हैं गांधी जी के, है ना। एक को सुनाई नहीं देता, एक को दिखाई नहीं देता, एक कोई बोलता नहीं है। इसीलिए हमारे हालात ये है। अभी जो जयराम सरकार ने नया बजट पेश किया, बजट में देखा गया कि कहीं सिरमौर के लिए कुछ बजट दिया गया, कुछ भी ऐसी योजना तैयार की गई होगी जो सिरमौर में लागू हो सके, है ना। आप तो बोल रहे हैं 3 अनमोल रत्न, लेकिन 3 अनमोल रत्न नहीं है ये, 3 गांधी जी के 3 मंदिर हैं सरकार में बैठे हुए हैं। अभी हम तो बोलते हैं कि नोट पर छप चुके हैं गांधी जी, लेकिन अभी ये सरकार में बैठे हुए हैं गांधी जी, और वो बंदर यहाँ आके, वो जो बंदर है वो यहाँ आके वो उत्पाद मचा रहे हैं, जिनको यही पता नहीं है कि हम लोगों ने करना क्या है। ग्रामीण, एक ही ग्रामीण रोड है यहाँ पे, जो ये ग्रामीण रोड बीच में चला हुआ है, एक ही ग्रामीण रोड है, और ये ग्रामीण रोड अभी तक मतलब ना सुग्राम जो जिनको मंत्री भी बना दिया है वो उनसे भी पूरा नहीं हुआ है। चांगड़ा सरदार के पास ये टेंडर है और अब ये पैचिंग का काम चला हुआ है। आप सभी को पता है कि हम इस मुद्दे को लेके हर जगह, हर डिपार्टमेंट के हर बंदे के पास गए हैं। अभी कोई कॉल भी नहीं उठा रहा है हमारी, और ना ही अच्छी कोई सुनवाई हो रही है। एक भी किलोमीटर पक्का नहीं किया है। चांगड़ा से एक मुद्दा चला हुआ है ये, और ये ऐसे ही पड़ा हुआ है रोड। 70 साल में एक बार रोड ये पक्का हुआ है, तो हम ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि अब तो कुछ हो। अभी हमारा CM का दौरा होना है इधर, तो अभी ये पैच लगाए जा रहे हैं। तो हम सभी से ये उम्मीद करते हैं कि जितने भी डिपार्टमेंट के अधिकारी है कि जल्द से जल्द ये रोड पक्का करवाया जाए। 14 गांव को ये रोड है, जो जिसमें इतनी परेशानी आई कि रोड में बिल्कुल सीढ़ियां पड़ी हुई है, गड्ढे, जिसमें चलने के लिए मतलब इतनी दिक्कतें हो रही, लोगों को आने जाने में एक्सीडेंट की ज्यादा ये हो रही। देवांश शर्मा की रिपोर्ट। रेगुलर हैंड हाइजीन, वन मस्ट वॉश हिज हैंड्स रेगुलरली, either with soap and water or by using the hand sanitizer which are available. Secondly, one must cover his cough. When you're coughing, cough into a tissue and dispose of the tissue. If you're coughing into a hanky, keep it properly isolated and make sure it's washed properly. If you have cough, cough in onto your elbow so that you don't spread the infection. The infection spreads from one person to the other by droplet route. So when we cough, and the cough particles carry the virus in them, and the virus then stays in the environment or in the air for some time. And if another person who comes in contact or is in close contact with this person, he will inhale those virus through when he breathes in, and that will cause the infection to the other person. And in this way, the human to human spread starts and a chain starts, and from one index case, many people start getting the infection. Therefore, if we cover our cough and we wash our hands properly, we can prevent the transmission and therefore prevent the infection from spreading in the community, especially to our near and dear ones who are in close contact with us. Corona ki ladai mein saath khade hain hum. Lifetimes TV dwara janhit mein jari.